जम्मू कश्मीर के रियासी में आतंकवादियों के कायराना करतूत सामने आए। श्रद्धालुओं से भरी एक बस को आतंकियों ने निशाना बनाया। आतंकी हमले में 10 लोगों की मौत हो गई है और रियासी में आतंकवादियों ने बस पर फायरिंग की। फायरिंग के बाद बस बेकाबू होकर खाई में गिर गई। तस्वीरें आप देखिए, पहले बस जाती हुई दिखती है, इसके ठीक पीछे एक जीप जा रखी है। इसके कुछ ही देर बाद बताया जाता है गोलियों के दंदराने की आवाज आई और ये बस खाई में गिर गई। अब खाई में गिरी हुई बस की जो तस्वीरें सामने आई हैं वो भी डरा देने वाली हैं। बताया जाता है कि इस हादसे में 30 लोग घायल भी हो गए हैं। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। घायलों में महिलाएं और छोटे बच्चे भी हैं। कायराना हरकत ये की गई है आतंकवादियों की तरफ से, तो आतंकियों की तरफ से की गई है कायराना हरकत। और सीसीटीवी फुटेज देखिए सामने आई है, जिसमें आप देख सकते हैं पहले बस जा रही है, बस के ठीक पीछे एक जीप जाती है, इसके बाद बस पर फायरिंग होती है और ड्राइवर अपना नियंत्रण बस से खो देता है। बस खाई में गिर जाती है। 10 की मौत और इस हादसे में 30 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। जम्मू कश्मीर के रियासी में आतंकियों की कारगाना हरकत। और आपको बता दें, श्रद्धालुओं को ले जा रही बस पर रविवार शाम को मोदी के शपथ ग्रहण से 1 घंटा पहले 6:15 बजे हमला हो गया। 10 लोगों की मौत हो गई, 33 लोग घायल हो गए। आतंकियों ने कंदा इलाके में शिव खोटी से कटरा जा रही बस पर ओपन फायर कर दिया था। ड्राइवर घायल हुआ, उसका बस से कंट्रोल खो गया, इसके चलते बस खाई में गिर गई। चश्मदीदों के मुताबिक 2 आतंकी घटनास्थल पर थे। बताया जाता है आतंकवादी हाईवे पर बस का इंतजार कर रखे थे। ऐसा माना जाता है कि पाक के आतंकी समूह जम्मू कश्मीर में दोबारा आतंक फैलाना चाहते हैं। आतंक के खात्मे को लेकर लगातार प्रयास किया जा रहा है, लेकिन लगातार देखा यह जा रहा है कि आतंकी एक बार फिर से सक्रिय हो रहे हैं। अब देखना होगा कि क्या आतंकवाद को निस्तनाबूद करने के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन को सफलता मिलती है। अब पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है, मोर्चाबंदी कर दी गई है और आतंकियों की तलाश जारी है। बताया जाता है 2 आतंकियों को देखा गया था हाईवे पर, जिन्होंने ये फायरिंग की थी। आतंकवादियों की तरफ से बस पर ओपन फायर किया गया, ड्राइवर घायल हो गया और ड्राइवर का नियंत्रण बस से चला गया, जिसके बाद बस खाई में जा गिरी। अब सेना ने पूरे इलाके को घेर लिया है, सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और आतंकियों की तलाश में जुटी है सेना। तस्वीरें, बस पर हमला हुआ, उसके बाद बस खाई में गिर गई। आतंकी हमले से ठीक पहले का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। आतंकियों की तलाश जारी है, अलर्ट पर है सेना, तो बाकायदा हेलीकॉप्टर से तलाश की जा रही है। लेकिन एक तो देखिए, ये इलाका ऐसा है कि यहां पर जंगल है और फिलहाल पूरे जंगल को भी घेर लिया गया है, चप्पे चप्पे की तलाश की जा रही है। देखना यह होगा कि आतंकियों को कब तक पकड़ा जाता है। सेना ने पूरे इलाके को घेर लिया है, आतंकियों की तलाश की जा रही है। आतंकियों ने श्रद्धालुओं को ले जा रही एक बस पर हमला कर दिया, ओपन फायर किया गया। इस ओपन फायर में बस का ड्राइवर घायल हो गया और बस से अपना नियंत्रण खो दिया, बस खाई में गिर गई। इस हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई, 30 लोग घायल हैं। अब आतंकियों की तलाश की जा रही है, सेना ने पूरे इलाके को घेर लिया है, बाकायदा हेलीकॉप्टर से गश्त की जा रही है, पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। देखना यह होगा कब तक आतंकियों को पकड़ा जाता है, आखिर कब तक इस आतंकी हमले को अंजाम देने वाले इन कायर आतंकियों को पकड़ा जा सकता है। फिलहाल पूरे इलाके को घेर दिया गया है, पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है, आतंकियों की तलाश की जा रही है। एक बस को आतंकियों ने अपना शिकार बनाया है। तस्वीरें आप देखिए, बस पर हमला हुआ, बस खाई में गिर गई, 10 की मौत हो गई, 30 घायल हो गए। आतंकी हमले से ठीक पहले का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। आतंकियों की तलाश जारी है, अलर्ट पर है सेना, सेना ने पूरे इलाके को घेर लिया है, बाकायदा हेलीकॉप्टर से नजर रखी जा रही है। देखना यह होगा कि आखिर कब तक आतंकियों को पकड़ा जाता है। आतंकवाद एक बार फिर से सिर उठाने का प्रयास कर रहा है, हालांकि आतंकवाद को निस्तनाबूद करने के लिए लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। एसएसपी ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवाएंगे। रात से ही हम लोगों ने जितने भी हमारे सोर्सेज वगैरह हैं उनको एक्टिवेट कर दिया है और फर्स्ट लाइट से हमने अपने कॉम्बिंग ऑपरेशन पूरे एरिया में जारी रखा हुआ है। ये सारे के सारे एरियाज जितने भी एडजॉइनिंग है नास से लेके यहाँ तक, हम सारा वो हमारी टीम्स जो हैं एसओजी
कंपोनेंट हमारा, हमारी जे एंड के पुलिस जी। तो मैम कल क्या, अगर डिटेल में बताएं उस टाइम क्या हुआ था? ये लगभग 6 बजे के करीब एक यात्री बस जो है वो शिवखोड़ी से दर्शन करके टूवर्ड्स रियासी जा रही थी, तो उसी बीच इसी स्पॉट पे मिलिटेंट्स ने बस के ऊपर फायर किया। वो फायर करते ही ड्राइवर लॉस्ट कंट्रोल ऑफ द बस और फिर वो नीचे खाई में जाके। तो वही प्रत्यक्षदर्शियों का इस पूरे आतंकी हमले को लेकर क्या कुछ कहना है वो आपको शुरुआत देखें। सर जैसे ही हमें पता लगा कि गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है और सुनने में आ रहा है कि गाड़ी पे मिलिटेंट ने अटैक कर दिया, तो हम भागे भागे यहाँ से जहाँ पे आ गए। सभी लोग जो है मेरे साथ में करीब 40-50 के करीब लोग आए, उसके साथ ही चौकी ऑफिसर 38 अपनी टीम के साथ यहाँ पे पहुंचे और हमने देखा कि गाड़ी जो है वो खाई में गिरी हुई है और लोग जो है वो चिल्ला रहे हैं और हल्ला कर रहे हैं, बचाने की गुहार लगा रहे हैं। तो हमने देखा कि जो कुछ लोग तो जो थे उनकी डेथ हो चुकी थी और कुछ लोग जो थे वो गाड़ी में फंसे हुए थे और कुछ बाहर गिरे हुए थे। तो हमने आते ही पहले जो बचे हुए लोग थे जो जख्मी थे उनका रेस्क्यू किया और यहां से शिफ्ट किया सीएससी 38 में और वहां पे फर्स्ट एड वगैरह का काम जो है वो चला। फिर उसके बाद हमने यहां से डेड बॉडीज निकाली और जहां से चार डेड बॉडीज जो है वो 38 सीएससी में शिफ्ट कर दी गई और 5 को जो है जब पौनी से एम्बुलेंस आई तो पौनी में शिफ्ट की और कुछ जो पेशेंट है जो कुछ जख्मी थे वो उनको पौनी में शिफ्ट किया गया। देखिये ऐसे जो आतंकवादी हमले हो रहे हैं जम्मू कश्मीर में खासतौर पर 370 हटाने के बाद, जबकि सरकार और गृह मंत्री और प्रधानमंत्री हमेशा ये क्लेम करते हैं पब्लिक में कि अब बिल्कुल शांति है और वहाँ के आम लोग बिल्कुल खुश हैं, तो एक तो उन्होंने इस चुनाव में अपना उम्मीदवार भी नहीं खड़ा किया कश्मीर में वैली में, और दूसरा ये जो इस तरह की जो घटना हो रही है ये इस बात को एक्सपोज कर रही है कि जो कुछ इनका दावा था कि हम पूरी तरह से वहाँ के कानून व्यवस्था वहाँ की विधि व्यवस्था पर नियंत्रण है वो गलत है। आज भी आतंकवादी सक्रिय हैं और समय समय पर वो हमला कर रहे हैं और हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, बहुत दुख की बात है। देखिए हमें बहुत दुख है, ये तो कायराना हमला है सिविलियनों पे और वो भी पिलग्रिम्स पे उस एरिया में। तो सुना है कि 10 से ज़्यादा लोग जो हैं अभी तक मारे गए हैं, तो हमें बहुत ही दुख है इस चीज़ का और हमें बहुत ही हमदर्दी है उन फैमिली पे जो जामबाग हुए, और हम सरकार से मांग करते हैं कि इमीडिएट उनके लिए कोई मदद रिलीफ जो भी होगा वो पहुंचाया जाए और सरकार को मुतरक होना चाहिए, क्योंकि उस एरिया में पिछले 1-1.5 साल से काफ़ी ज़्यादा हमले हुए। वो रजौरी रियासी पुंछ ये एक ही कालाकोट एक ही जुड़ा हुआ रूट है, तो सरकार को इसके लिए कुछ स्टेप्स उठाने चाहिए ताकि ये मिलिटेंसी जो है ख़त्म हो जाए, क्योंकि रोज़ रोज़ ऐसे हादसे देखने को मिलते हैं। बहरहाल हमें बहुत दुख और अफसोस है इस घटना पर। तो देखिए बस को आतंकियों ने निशाना बनाया है, दिग्गजों ने इस घटना को लेकर देखिए सोशल मीडिया पर दुख जाहिर किया है। राहुल गांधी ने लिखा है जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में जिस तरह से मंदिर से तीर्थ यात्रियों को लेकर जा रही बस पर कायरतापूर्वक आतंकी हमला हुआ के एक शर्मनाक घटना के उन्होंने इस पर दुख जताया के। तो वही राहुल गांधी ने मृतकों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है, घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते भी नजर आए हैं। सोशल मीडिया पर राहुल गांधी ने पोस्ट किया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तरफ से इस आतंकी हमले को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया है।